नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित रोहता नहर चौराहे पर राष्ट्रीय लोक दल के पदाधिकारियों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को जानकारी दी कि उन्होंने नई कार्यकारिणी का गठन कर लिया है। साथ ही साथ नई कार्यकारिणी के गठन के दौरान उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों का भी जायजा लिया। देखिए किस प्रकार मुख्य अतिथि और वरिष्ठ लोकदल के नेताओं ने जहां भाजपा पर जमकर हमला बोला और कहा कि भाजपा ने भगवान श्री राम के नाम को भी आधा कर दिया है, जबकि उनका पूरा नाम सीताराम लेना चाहिए, परंतु भाजपा जय श्री राम का नारा लेकर भाजपा ने देखिए किस प्रकार राम के नाम को आधा कर दिया है और राम के नाम को भाजपा जिस प्रकार बनाने का प्रयास कर रही है जनता उन्हें सबक सिखाएगी। वहीं उन्होंने 2024 के चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इसी बीच जिलाध्यक्ष महेश कुमार जाटव ने एक नारा दिया कि बनियाओं का एक नारा है कि एक किलो का 900 ग्राम ठगना और जय सियाराम जपना। उसके साथ साथ उन्होंने देखिए किस प्रकार भाजपा पर जमकर हमला बोला है, तो जानिए पदाधिकारियों से वरिष्ठ पदाधिकारियों ने किस प्रकार भाजपा पर हमला बोला है और साथ ही साथ नई कार्यकारिणी का गठन किया है। जानते हैं पदाधिकारियों से क्या है पूरा मामला और किस प्रकार उन्होंने देखिए जानकारी देते हुए सभी लोगों को जानकारी दी। राष्ट्रीय लोकदल आगरा राष्ट्रीय अध्यक्ष मानी चौधरी जयंत प्रदेश पर रामाशीष राय जी प्रदेश अध्यक्ष जी के अनुमोदन के बाद आज हमने जिला कमेटियों का घोषणा करेंगे। ये जिला कमेटियों का हमारे पास फोल्डर है, ये पूरा हमने इसमें जिले की कमेटियां बना रखी हैं और इन्हीं की घोषणा करने के लिए मथुरा से चल कर के आए राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर मथुरा से चल कर के आए हमारे बीच में समरसपाल पोनिया जी और हमारे बीच में चेतन मलिक जी, ये इन जिला कमेटियों की यहाँ विधिवत घोषणा भी करेंगे और आगामी चुनावों की तैयारी करेंगे। मथुरा के अंदर युवा संसद का कार्यक्रम है आदरणीय चौधरी साहब का 4 फरवरी 2024 को, उसके लिए भी हमें दिशा निर्देश देंगे। जो दिशा निर्देश मिलेगा नेतृत्व के द्वारा उसे हम पूरा खरा उतारने का कार्य करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस देश से भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय लोकदल का एक एक युवा कार्य करके घर घर तक जा कर के इस देश से बाहर करने का कार्य करेगा। और आप जैसे कह रहे थे ना कि धर्म के नाम पर, धर्म इनकी बाप की बापौती नहीं है, ये धर्म का आडंबर सिर्फ आरएसएस जनसंघ, जो जनसंघ एक वैश्यों की पार्टी कहा जाता था, बनियाओं की पार्टी, इन बनियाओं ने पूरे देश के लोगों को 90-92% लोगों को गुमराह करने का कार्य किया है। ये दिन भर गद्दी पर बैठ कर के बेईमानी करते हैं, ये दिन भर कम तोलते हैं। एक नारा है जय श्री राम, एक किलो में 900 ग्राम तौल और जय श्री राम बोल, उस नारे की ओर जा रहे हैं। ये देश की हर उस गरीब को लूटना चाहते हैं जिन लोगों से रात और दिन ये कमाई करते हैं, दुकान पर बैठ कर के उनको भिखारी बन कर के पूड़ी और सब्जी खिलाने का कार्य करते हैं, पूड़ी और सब्जी खिलाने का। मैं बताना चाहता हूँ कि ये अभी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा थी, इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके कार्य किया और जो झंडा लगाने का, पूड़ी दाल बांटने का कार्य किया और सब्जी बांटने का कार्य किया, ये सिर्फ बनियों ने, ये बनियों ने जो आरएसएस के बाद जो भारतीय जनता पार्टी बनाई, उस भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता में नहीं आ सकती थी। इन्होंने धर्म का सहारा लिया, धर्म का सहारा लेकर के इन्होंने 95% लोगों को ठगने का कार्य किया है। अब 95% लोग समझ गया है इस भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेगा और किसान को, गरीब मजदूरों की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल, 7 मिली हैं, 7 को तो जिताने का काम करेगा ही, मगर पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ हमारी ताकत है वहाँ पर इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेंगे और ये हमारा नैतिक अधिकार है, पूरी जान लगा देंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये समझ लीजिए, ये
अपना मान सम्मान स्वाभिमान बचाना है, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान बचाना है और चौधरी चरण सिंह जी के विचारों को बचाना है। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि गांव किसान गरीब की बात करते थे, उस गांव किसान गरीब मजदूर के मान सम्मान को बचाना है, क्योंकि इन लोगों को धर्म के आडंबर को फैलाने का काम कर रहे हैं। हमसे ज़्यादा कोई, मैं दलित बिरादरी से आता हूँ, मैं जाटव हूँ, इस हिंदू धर्म और इस सनातन धर्म की अगर सबसे ज़्यादा रक्षा की है तो दलितों ने की है। दलित उस जमाने में बिक जाता, दूसरा धर्म अपना लेता, मर कुट कर मंदिरों में हम लोगों को प्रवेश नहीं था, फिर भी मंदिर के बाहर इनके लात घूंसे खा करके हमने इस धर्म की पर जान की कुर्बानी दी है। ये भारतीय जनता पार्टी के वाले कहते हैं धर्म हमें सिखाएंगे, ये लोग धर्म क्या होता है? धर्म हमारे दिल में बसता है, राम सबके आराध्य हैं, राम एक एक राम राजा दशरथ के घर जन्मे, एक राम कणकण में बसते, किस राम की बात करती हैं ये लोग? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब इनके दिन आ गए हैं। मैं बताना चाहता हूँ दक्षिण के दरवाजे इनके लिए बंद हैं, जहाँ से 26 सीटें जीते थे एक भी सीट नहीं जीतेंगे, और ये हिंदी भाषी राज थे, यहाँ पर भूम पे थी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 62 सीटें थी, राजस्थान में 25 की 25 थी, मध्य प्रदेश में 29 में से 28 थी, तो इससे ज़्यादा ही जाएगी कहाँ, यहाँ कम होनी है इनकी सीटें। मैं बता रहा हूँ इस बार भ्रम निकाल दीजिए, रामचंद्र जी भी जानते हैं कि इन्होंने अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा मेरी की है, इसलिए रामचंद्र जी भी इस बार चाहेंगे कि इन झूठे बेईमान जो मेरे नाम पर राजनीति कर रहे हैं इनको सत्ता से बाहर करा जाए। चेतन मलिक साहब जो मथुरा के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता हैं, वह भी प्रकाश डालेंगे। और मैं इस अवसर पर कहना चाहूँगा कि जिला कार्यकारिणी का भी जिलाध्यक्ष जी के द्वारा अनुमोदन ले लिया गया है, इसकी अभी घोषणा करेंगे। आप लोगों के माध्यम से मैं सभी पदाधिकारियों को कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत। भाजपा को हराने का क्या मंत्र रालोद और सपा गठबंधन पर, क्योंकि भाजपा ने रामलला का क्या कहते हैं अवतरण कर दिया है, अब रामलला आ गया, रामराज हो गया है और सारी पार्टियां बेकार। अब देखिए इतना न मान के चलिएगा, ईश्वर के नाम को अरहत देव के नाम को राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया जाता, इधर और प्रभु के नाम का जो लोग राजनीति में इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हित के लिए कर रहे हैं, ईश्वर भी सब देख रहा है, इनको दंड दे। भाजपा की नीति और ये रीति रही है कि जब उनके पास जनता से अपनी उपलब्धियां बताने का कुछ भी नहीं होता है, कोई भी सौदा नहीं होता है कि हमने फलाना काम किया, तो ये धार्मिक मुद्दों को आगे लेके आते हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी अब ये करने लग गए हैं। आप ही बताएं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या प्रभु में कोई प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है? जो सबके जीवनदाता हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा संभव है क्या? मंदिर प्रभु का एक शरीर होता है और अधूरे शरीर में प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है? ये संभव नहीं है। शंकराचार्य, चारों के चारों शंकराचार्य जो बहुत ही जिनकी एक मानक होते हैं, वेद पुराण उनका ज्ञान होता है, उनको बनाया जाता है, उन शंकराचार्यों को इन लोगों ने धता बता दिया, एक किनारे लगा दिया। और जो तथाकथित स्वयंभू राम भक्त हैं जो सुबह से लेकर शाम तक बेईमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, नकली दवाएं बेचते हैं, नकली तेल घी बेचते हैं, मसाले बेचते हैं, और आदमी के जीवन यापन की सारी चीज़ें मिलावट के तहत बेचते हैं, वो लोग राम भक्त हो गए। क्या ये राम भक्त हैं? शायद। तो ये सारी जिला पंचायत का मथुरा का पूर्व अध्यक्ष हूँ और आज यहाँ आपके बीच में रालोद के हमारे अध्यक्ष जी ने मीटिंग बुलाई है, उस संदर्भ में हम यहाँ आए हुए हैं। भाजपा को हराना एक ऐसा लगता है कि बड़े किले को ढाने के बराबर जो ढाया नहीं जा पा रहा है जी। कैसे क्या कहते हैं जीत का मंत्र आप लोगों के पास है जिसे भाजपा को हराया जा सके? देखिए आप सभी जानते हैं कि भाजपा लोगों की आस्था से और भावनाओं से खिलवाड़ करके हमेशा सत्ता में रहने का काम करती है, और जबकि ज़मीनी हकीकत कुछ और है। आप देखेंगे कि ज़मीनी हकीकत के मामले में जब किसान, आज किसान की बात आती है, मजदूर की बात आती है, तो कहीं ना कहीं कोई इनके पास ना नीति है ना इनकी ऐसी नीयत है कि ये किसान मजदूर गरीब का कोई भला कर सके। आज विडम्बना आप ये देखिए कि 80 करोड़ लोगों को ये राशन बांट रहे हैं,
और जरूरत क्या पड़ी? अगर वो सक्षम होते तो ये क्यों बांटते राशन को? यानी कि इनकी कहीं ना कहीं पॉलिसीज, इनकी नीतियाँ गलत हैं, इसलिए इन्हें लोगों को साधना पड़ रहा है। तो इन बातों को पिछले दिनों आपने देखा हो, किसान आंदोलन चला था, कितने किसानों ने अपनी बलि दी, तब जाके किसान के काले कानून जो ये लेके आए थे तीन, वो वापस हुए। तो ये पहले चीज़ें लागू करते हैं फिर पीछे हट जाते हैं, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति समझ जाता है कि इनकी पॉलिसी क्या है। तो हमारे पास तो सच्चाई है और हमारा एक उद्देश्य है इंडिया गठबंधन का, राष्ट्रीय लोक दल का, हम लोग किसान मजदूर की पार्टी हैं और हर व्यक्ति के दिल दिमाग में पूरी बात घुसी हुई है। राम राज्य स्थापित करना कितना उचित मानते हैं, कितना अनुचित? देखिए, राम राज्य अगर राम के आदर्शों पर चलने की बात हो तो राम राज्य में कोई बुराई नहीं, पर समस्या ये है कि राम का नाम लेकर और गलत कामों को आगे बढ़ावा देना, ये विडम्बना है, एकदम अविचित्र स्थिति है। अपने मंच की तरफ से, आदरणीय जयंत चौधरी जी की तरफ से, राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के दिन श्री कपूरी ठाकुर जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी थे, उनका आज जन्मतिथि है, पुण्यतिथि है। उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, चौधरी अजीत सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात रखूँगा। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो चुका है। अनुमानित है हमें ये फतेहपुर सीकरी सीट आगरा जिले से मिलने की पूरी उम्मीद है। उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ मीटिंग का आयोजन किया गया है और जिला अध्यक्ष जी को अपनी कार्यकारिणी गठित करनी है, तो उन्होंने अपनी बता दी। तो फतेहपुर सीकरी में राष्ट्रीय लोकदल अपनी तरफ से प्रत्याशियों को आमंत्रित करता है, उनका बहुत बहुत स्वागत करता है। जो जो आवेदक हों वो जिला अध्यक्ष जी को अपना आवेदन दे सकते हैं, मुझे भी दे सकते हैं, और पार्टी राष्ट्रीय लोकदल पूरी तरह से यहाँ चुनाव लड़ाने के लिए तैयार है। जितनी भी विधानसभा हैं इस लोकसभा में, हर जगह बूथ तक काम किया जाएगा। सेक्टर में एक विधानसभा में 20 से 25 प्रभारियों के द्वारा बांटा जाएगा, उसको 20 से 25 भागों में बांटा जाएगा और काम किया जाएगा और चुनाव जीतेंगे। तो मैं यहाँ सभी अपने उम्मीदवारों से, राष्ट्रीय लोकदल के जितने भी उम्मीदवार हैं फतेहपुर सीकरी विधानसभा से, वो आप आमंत्रण करें और चौधरी साहब से भी टिकट तो चौधरी साहब ही देंगे, परंतु जिला अध्यक्ष जी को अपना आवेदन दें और पार्टी को मजबूत करें। श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की बनाई हुई पार्टी है ये, गरीब, खेत, कल्याण, किसान, मजदूर की ये पार्टी थी, ये उन्हीं लोगों के लिए दबी कुचली आवाज़ की आवाज़ बनाने के लिए श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी ने जन्म लिया था, वही पार्टी है ये। इसमें राष्ट्रीय लोकदल के साथ साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का भी गठबंधन है, हो सकता है और दल यहाँ आ जाएं, परंतु हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। जो सीट हमें मिल जाएगी, अनुमानित है ये मिले। एक खुशी की बात और है, भरतपुर में हमें, भरतपुर क्षेत्र से भी हमें लोकसभा सीट मिलने की पूरी उम्मीद है। ब्रज क्षेत्र में ही भरतपुर आता है, डीग आता है, धौलपुर आता है, तो वहाँ भी हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से काम करेंगे। रही आप बात कर रहे थे रामलला की और ये प्राण प्रतिष्ठा की, जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं भगवान श्री राम, उनको केवल बीजेपी से जोड़ दिया जाए और बीजेपी में भी श्री मोदी जी से जोड़ दिया जाए, उनका कद छोटा करना है। राम कणकण में है, हरे एक के राम हैं, परंतु इतनी जरूर बात है कि श्रद्धेय चौधरी जयंत सिंह जी हमारे नेता सीताराम कहते हैं, उस केवल उनमें भी उन्होंने आधा नाम कर दिया है, श्री राम बोलते हैं, सीताराम नहीं बोलते, पूरा नाम उनका जय सीताराम है, न कि जय श्री राम। ये हम लोकदल इस बात का विरोध करता है, आधा नाम न लेकर के वो पूरा नाम लिया करें। हमारे मथुरा के लोग राधे श्याम कहते हैं, सीताराम कहते हैं, और ये केवल कहते हैं श्री राम। आधे राम को भी कर दिया, आधा राम इसलिए कर दिया कि उन्होंने सारे ब्रह्मांड से हटा करके केवल भाजपा के राम बना दिए। भाजपा के राम नहीं है वो, हमारे भी राम हैं आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी, जिस मंच से भाषण देते थे सबसे पहले राम राम सा करते थे। आदरणीय जयंत चौधरी जी कोई भाषण देते हैं राम राम सा करते हैं। हमारा एक एक नेता राम राम के संबोधन से स्टार्ट करता है। राम किसी की बाप की बापोती नहीं है, राम कणकण में है, राम आप में है, राम हम में है, राम सब में है। राम कहने से काम नहीं चलेगा, राम के बताए हुए मार्ग पर जब तक नहीं चलोगे। राम गरीबों के थे, किसानों के थे, मजदूरों के थे, इनकी कोई आवाज़ नहीं थी, उनके हुए थे राम, वन में भटके थे, ऐसे नहीं थे उद्योगपति अदाणी अम्बानी, ये राम की
उस पर नहीं चल सकते। हमारी पार्टी राम की पूरी तरह से अनुयायी है और किसानों की, मजदूरों की, इस देश की आवाज राष्ट्रीय लोकदल बनेगा। आज उस आत्मा का पुण्यतिथि है जो कपूरी ठाकुर जन जन के नेता थे, श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी थे। इसी उपलक्ष्य में आज हमने ये रखा है और फतेहपुर सीकरी लोकसभा हम जीत के जाएंगे, एक एक कार्यकर्ता में अलग जगाएंगे। इससे राम से कहने से हमारी पार्टी या चुनाव हारने वाली नहीं है, चुनाव जीतेगी। आप जो कुछ पूछना चाहें स्वागत है, पूछिए। क्या पूछ रहे हैं, पूछिए। धन्यवाद। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान सीबीन्यूज़।